हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। फ्रेंड्स, इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि आप अपने ओप्पो A3s मोबाइल जो है उसको फॉर्मेट कैसे करेंगे। तो उसके लिए आप लोगों को अपने मोबाइल को पहले स्विच ऑफ करना होगा। तो मैं अपने मोबाइल को स्विच ऑफ कर लेता हूं। तो ये मैंने स्विच ऑफ कर दिया है। अब क्या करेंगे कि आप लोगों ने फॉर्मेट के लिए जो पावर ऑन बटन है और ये वॉल्यूम जो नीचे वॉल्यूम साइड का नीचे वाला जो बटन है उस दोनों को आप लोगों ने प्रेस करके छोड़ देना। यानी आप लोगों ने वॉल्यूम बटन जो नीचे वाला है और पावर ऑन बटन को दोनों को साथ में ही प्रेस करना है और कुछ सेकंड के लिए प्रेस करके रखना है। और उसके बाद अगर ओपन हो जाए तो आप लोगों ने थोड़ी देर तक जो है वॉल्यूम बटन को प्रेस करके बाद में छोड़ देना है। तो यहाँ पे आप लोगों ने सिलेक्ट करवाए लैंग्वेज, बाद में अपनी ये वाइप डेटा जो है इस पे आप लोगों ने क्लिक कर लेना है। और यहाँ पे ये देखिए फॉर्मेट डेटा, इस पे आप लोगों ने क्लिक करके उसके बाद आप लोगों ने ये देखिए ये फॉर्मेट डेटा आ रहा है, इस पे आप लोगों ने ओके कर देना है। तो ये देखिए दोस्तों, ये वाइपिंग प्लीज़ वेट, ये सब प्रोसेस आएगा। तो कुछ सेकंड आप लोगों ने वेट कर लेना है। उसके बाद ओके पे प्रेस कर लेना है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये मोबाइल जो है अभी फॉर्मेट हो रहा है। तो आप लोग कुछ टाइम जो है वेट कर लीजिए। तो फ्रेंड्स, ये देखिए ये मोबाइल जो है ओप्पो A3s का फॉर्मेट हो चुका है। इस तरीके से आप लोग अपना मोबाइल जो है फॉर्मेट कर सकते हो। अब यहाँ पे आप लोग लैंग्वेज सेलेक्ट करके आप लोग अपनी दूसरी जो भी सेटिंग है आप लोग खुद कर सकते हो। उम्मीद है आप लोगों को वीडियो समझ में आ गया होगा। बस मज़ीद वीडियोज़ के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत शुक्रिया।